सुनते जाइए। भारत ने एक बहुत बड़ा गेम खेल दिया है। सुनते जाइए। पाकिस्तान फारिग हो चुका। सुनते जाइए। और बहुत जल्द बिल्कुल ही साइड लाइन होने वाला है। सुनते जाइए। अफगान तालिबान ने 35 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया चाबहार पोर्ट पर। सुनते जाइए। देखिए, मिस्टर जेपी सिंह हैं और जेपी सिंह साहब हैं जॉइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान अफगानिस्तान और ईरान के। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हैं, भारत के हैं। ये पहुँचते हैं अफगानिस्तान। वो तुम्हारा भाई है। सुनते जाइए। आपको बताते चले कि चाबहार पोर्ट वो पोर्ट है जिसका इंडिया और ईरान ने मिलकर जो है इसके ऊपर काम किया है, और आज जो है अफगान तालिबान इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए चाबहार पोर्ट को यूज करेंगे। सुनते जाइए। भारत ने 3 अरब डॉलर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करी है। सुनते जाइए। आज की तारीख में भारत क्या कर रहा है? भारत को सेंट्रल एशिया जाना होता है, कहीं भी जाना होता है, अफगानिस्तान भारत पाकिस्तान से थोड़ा ना जाता है। पाकिस्तान से बात करी थी। अमन की तरफ कदम बढ़ाना एक बेहतरीन अमल है जो कि खत्ते के लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा, मगर ये नहीं हो सकता कि उन्होंने किसी भी पाकिस्तानी पोर्ट को यूज नहीं किया। सुनते जाइए। तालिबान अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें सिर्फ और सिर्फ इंडिया की जो है सपोर्ट चाहिए। जब भी कोई ऐसी खबर आती है उसको सुनता हूँ, देखता हूँ ना, तो दिल में ना बड़ा आनंद आता है। सुनते जाइए। चरम सुख की प्राप्ति हो जाती है। सुनते जाइए। और पाकिस्तानी को रोता हुआ देखने में तो ऐसा लगता है जैसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। सुनते जाइए। ये ऐसा है कि यहाँ पे तुम्हारा लाहौर है, ये हमारा अमृतसर है, अमृतसर से सीधा लाहौर करो, फिर यहाँ से टक्क से ले जाएंगे यहाँ से और कबूल। सुनते जाइए। हम लोग ट्रेड करेंगे, तुम्हें भी पैसा देंगे, इन लोगों ने मना कर दिया। सुनते जाइए। दूसरी जानिब अगर ईरान की बात करें तो ईरान भी पिछले महीने की अगर बात करें तो 2 अटैक्स इस वक्त पाकिस्तान पर कर चुका है। सुनते जाइए। ना हमारे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर है, ना ही इंडिया के साथ और ना ही ईरान के साथ। सुनते जाइए। इन सूरत हाल में आखिर पाकिस्तान को अपने सर्वाइवल के लिए क्या करना पड़ेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। इन लोगों ने भारत को ये बोला कि नहीं, इसमें तो तुम्हें फायदा होगा। भारत ने बोला फायदा तो तुम्हें भी होगा। नहीं, पाकिस्तान खामोश रहे और खामोशी से तिजारत है वो शुरू कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। हम नुकसान झेल लेंगे लेकिन भारत को नुकसान जरूर पहुंचाना है। नरेंद्र मोदी के खत के जवाब में ये बात क्लियरली बता दी, वाजे कर दी कि बेहतर ताल्लुकात के लिए मसला कश्मीर समेत तमाम अहम मसाइल का हल बहुत जरूरी है। ये पाकिस्तानियों का एक नेगेटिव माइंडसेट है। साफ लफ्जों में कह दिया है कि मकबूजा कश्मीर की जब तक आईनी हैसियत को बहाल नहीं किया जाता कोई तिजारत नहीं होगी। तो भारत ने बोला ठीक है, तुम एक काम करो, तुम चुनचुने के साथ खेलो। और मैं तो इस फिजा खलीफा से ये बोलना चाहूंगा, फिजा खलीफा कैसा लग रहा है आज? तुम तीनों तरफ से सैंडविच की तरफ पिसे जा रहे हो। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, शायद यही कहना बनता है, बहुत जबरदस्त। उस वक्त जब भारत ने रास्ता मांगा था तब तुमने क्या कहा था? मसला है कश्मीर पहले हल होगा फिर रास्ता देंगे। और नहीं तो क्या? अब भारत ने और अफगानिस्तान ने दोनों ने मिलकर पाकिस्तान की सुझा दी है। ये वही पाकिस्तानी जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई थी तो सबसे ज्यादा भंगड़े इन्होंने डाले थे। इतनी मिठाइयां ये ईद पे नहीं बांटते, इतनी मिठाइयां इन्होंने अपनी मस्जिदों में, मोहल्लों में, मार्केट में आके बांट दी थी। हमारे बिरादर आ गए, अभी हमें कश्मीर आजाद करा के देंगे। और आज वही अफगानी इनको ठोक रहे हैं। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम अपना पोर्ट बना रहे हैं, भारत ने यहाँ पे तैयार कर दिया शानदार चाबहार, आगे इसके रेलवे पटरियां भी बिछा दी भारत ने। सुनते जाइए। पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है? पल्ले ना कोई ढेला, कर दी मेला मेला। अपने पांव पर खड़ा भी है या नहीं? नहीं, भारत को पाकिस्तान की आवश्यकता नहीं है, पाकिस्तान जाए भाड़ में। सुनते जाइए। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और यही पाकिस्तान जाए भाड़ में, भारत दुनिया भर को बोल रहा है ये गेम है। सुनते जाइए। बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। मोदी जी वाह। बिलावल भुट्टो ने बड़ा दावा कर दिया, सदर बना था जरदारी, फिर सदर बनेगा जरदारी, द मस्त कलंदर जरदारी। दुनिया पाकिस्तान के सदर बन चुके हैं आसिफ अली जरदारी। पीएम मोदी जी हां, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बात किए बगैर कैसे हमारा ये सेगमेंट कंप्लीट हो सकता है? आखिर क्यों? मोदी जी आप लोग हमारे दिल के बहुत करीब हैं। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? पाकिस्तान के सीनियर पत्रकार है आरजू गाजमी जी, इनका एक बालिया जुर्म सुनिया। जब आप पैसा दे देंगे तो आप तो हमारे पेट के करीब, कानों के करीब, आंखों के करीब, हर जगह पहुँच जाएंगे। असंभव। हम एकदम सुधरे में मिलेंगे। यहाँ से जितने भी आपको चाहिए ना, हाफिज सईद और मसूद अजहर और ये वो जितने भी हमने यहाँ पे रखे हुए ना, हम सब के सबको पैक करके आपको पार्सल कर देंगे। अरे वाह जी, हमको तो पहले से पता है आप तो हो आतंकियों के पनेगार। आप पे रखिएगा, फिर आपने उन्हें जेल में रखना है या उनका कुछ भी करना है वो आप लोग जाने वो जाने, हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। पाकिस्तानियों को पैसा दे दो और उनसे कुछ भी करवा लो भैया, कुछ भी, समझ रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रही कि जो काम
$2-3 billion से हो सकता है बहुत आसानी से। उसके लिए बार बार एयर स्ट्राइक और कभी क्या और कभी क्या, कभी जाके IMF को मना करना कि पैसा मत दो, तो कभी हमें उल्टा सुलटा बोलना, मतलब ये सारे काम करने के बजाय सीधे सीधे $3 billion हमारे मुंह पे मारिए। आगे का क्या सोचा है? हम तो ऐसा रंग बदलेंगे कि गिरगिट भी शायद शर्मा जाए, आप भी हैरान हो जाएंगे, आपको लगेगा उफ ये तो कितने प्यारे लोग हैं। अच्छी मेरा शायद पाकिस्तान का भी भला हो जाएगा। नेवर। अब बाकी कंट्रीज से सीखकर हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। कब तक ये हम कटोरा लेके कभी IMF और कभी वर्ल्ड बैंक और कभी सऊदी अरब और कभी चाइना की तरफ जाते रहेंगे। चाइना से मुझे याद आया, मेरे अबू आए ने, मेरे अबू आए ने। ये बड़े चुपते हैं, इनको चाइना का पाकिस्तान के साथ ताल्लुक। आप इस्लाम को, वो लोग कह रहे हैं कि इस्लाम को और चीनी बनाओ, उसको चाइनीज बना दो, उसमें चाइना का फ्लेवर हो, उसमें एक चाइना की खुशबू हो, चाइना की महक हो। पाकिस्तान जो सबसे बड़ा भिखारी है दुनिया का और चाइना का सबसे बड़ा भिखारी है, चाइना से सबसे ज्यादा लोन किसी ने पकड़ रखे हैं तो पाकिस्तान ने। सिर बाबू नोटू, ना बाप बड़ा ना भैया, नोटू नोटू बाबा नोटू। वो पाकिस्तान जो अपने आप को इस्लाम का किला बताता है, आलम इस्लाम का ठेकेदार बताता है, वो पाकिस्तान बिल्कुल चुप है क्योंकि पैसे चाहिए चाइना से। अल्लाह के नाम पे दे दर बाबा, दे दर बाबा, दे दर बाबा। 2/3 यानी कि 2/3 मस्जिद जो है उनको तोड़ दिया 2017 से। चीनी कह रहे हैं कि अरेबिक कल्चर है, उन्होंने मस्जिद की ना गुम्बदें तोड़ दी पूरी ऊपर से, उन्होंने बोला फ्लैट बनाओ या फिर चाइनीज टाइप का ऐसे जो घर टाइप का बनता है जो चाइनीज बनाते हैं ना टाइल्स है, वो बनाओ। है ना अजीब सा असूल। इन्होंने पूछा क्या क्या हराम है इस्लाम में, बोला साहब इस्लाम में जो हराम है ना, इस्लाम में सुअर खाना हराम है, इस्लाम में संगीत सुनना या गाना बजाना हराम है, इस्लाम में शराब पीना। इन्होंने सारे इमामों को इकट्ठा करा वहां पे, जो मौलवी मौलाना इमाम है, शिंजियांग की बात कर रहा हूँ चीन की, और बोला कि ये पढ़ा सुअर खाओ, ये पढ़िए शराब पियो। उसके बाद म्यूजिक चलाया और बोला नाचो भाइयों, उसने बोला नाचो और वो नाचे और बोला और नाचो, फिर वो और नाचे। हाय हाय, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि नहीं, कुरान शरीफ में क्या कोई चाइनीज बंदा है उसमें? अब सवाल इनके देखो, चीनियों के इनके कितने दिमाग खराब हैं। ये कह रहा है कुरान शरीफ में कोई चाइनीज आदमी है, तो उसने बोला साहब ये तो सऊदी अरब का पूरा मैटर है, सऊदी अरब का, इसमें चाइनीज कहां से होगा? फिर कहता आप चाइना में नहीं पढ़ा सकते जब तक इसके अंदर चाइनीज ना हो। ये तो कुदरत का निजाम ही नहीं है ना। दे आर राइटिंग रीराइटिंग चैप्टर्स ऑफ द कुरान, रीराइटिंग एंटायर चैप्टर्स। वो कह रहे हैं कि इसमें चाइनीज बंदे डालो 2-3। वो कह रहे किस तरीके से डाल सकते हैं सर, क्या बच्चों वाली, क्या अजीब जाहिलों वाली हरकतें हैं ये? कह रहा नहीं डालो। अब बात कर लेते हैं इस जमहूरी मुल्क पाकिस्तान की। बताया जा रहा है कि $65 billion लग चुके हैं, और $65 billion लग चुके हैं तो जरा पाकिस्तान ये भी बता दे कि ये $65 billion जो कि चाइना का दावा है कि वो पाकिस्तान को दे चुका है, वो आखिर कहाँ गए, क्या बना? 10 साल हो गए जी CPAC को बनते बनते, और 10 साल के बाद एक केक भी काटा गया था और बड़ी खुशियां मनाई गई थी, बड़ी मुबारकबादियां दी गई थी कि जी CPAC जो है उसको 10 साल मुकम्मल हो गए, लेकिन CPAC मुकम्मल नहीं हुआ। यही तो कयामत है। ये पाकिस्तानी कितने ही बेगैरत है, जब चाइना मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है, इतना जुल्म कर रहा है, इतना जुल्म कर रहा है, लेकिन चाइना से इनको भीख मिलती है, इनको पैसा मिलता है, दुनिया भर का कर्जा मिलता है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को सिर्फ चाइना ही चला रहा है। तो ये पाकिस्तानी जो इतना इस्लाम करते हैं, फिलिस्तीनियों के साथ इनका दिल धड़कता है, कश्मीरियों के साथ इनका दिल धड़कता है, पूरे संसार में जो भी मुसलमान के साथ होता है उसके साथ ही खड़े हो जाते हैं, कभी फ्रांस के खिलाफ हो जाते हैं, कभी अमेरिका के खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन चाइना के खिलाफ कोई मौलाना नहीं बोलता, कोई मुल्ला नहीं बोलता, कोई मीडिया नहीं बोलता, कोई पॉलिटिशियन नहीं बोलता। अबे कितने बेगैरत हो तुम, ऊपर वाले को भी क्या मुंह दिखाओगे? इतने बड़े हिपोक्रेट कौम आपने इस संसार में कभी नहीं देखी होगी, और ये अपने आप को समझते हैं इस्लाम के ठेकेदार। पूरा वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने के बाद में आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन आप ही का है, आप भी इन पाकिस्तानियों को घसीटते हुए जाइएगा। भाई ने बोला करने का तो करने का। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।